तो हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल और आज फिर एक नए टूल के साथ, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए जो भी टूल हम परचेस करते हैं अपने लिए वो हम आपको ज़रूर रिकमेंड करते हैं और उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाते हैं। तो मैंने कुछ टूल्स परचेस किए हुए हैं, जैसे कि ये और भी काफ़ी टूल मैंने परचेस किए हुए हैं यहाँ पर हम आईफोन का काम करने के लिए और एंड्रॉयड का काम करने के लिए। तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा कम्प्लीटली डेडिकेट वीडियो, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, टूल्स के बहुत सारे वीडियो एक ही, अगर सारे टूल्स के वीडियो एक ही वीडियो में डाल देते तो लोग पूरे वीडियो देखते नहीं है, तो वो बहुत सारे टूल मिस कर जाते हैं, फिर वही पूछते हैं सर उसका वीडियो डाल दो, उसका वीडियो डाल दो। और होता यही है, वीडियो हम सबके ही डालते हैं पर बेसिकली वो देखते ही नहीं है। तो आपको वीडियो लिस्ट पर जाना पड़ेगा और सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को, और क्योंकि इसे टेलीकॉम आपके लिए सोल्यूशन भी लाता है, आपके लिए टूल की इन्फॉर्मेशन भी लाता है और आपको गाइड भी करता है बहुत अच्छा। चलिए, तो ये जो टूल है दोस्तों, ये है मैजिको टीम की तरफ से रिस्टोर, मतलब अगर आपको अपने आईफोन्स को, आईपैड को आपको फ्लैश करना है और फ्लैश करने के लिए अगर आप उसको रिकवरी मोड पर डालना चाहते हैं, और सपोज आपके फ़ोन का रिकवरी मोड डालने के लिए आप पावर की ब्रेक है या वॉल्यूम डाउन ब्रेक है, उसका जो होम बटन होता है वो ब्रेक है, तो आप कैसे डालेंगे रिकवरी मोड पर? तो बहुत सारे लोगों के लिए एक सवाल था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उसके लिए ऐसे कुछ केबल्स मार्केट में उपलब्ध हैं, आप बिल्कुल ये परचेस कर सकते हैं, बहुत इजी और बहुत सस्ती केबल है, कुछ महंगी नहीं है। प्राइस मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, आप ये ZX मलिक, सो आईफोन और एंड्रॉयड टूल के ये डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों हैं, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप इनके आप इनसे इसका रेट जरूर लीजिएगा। और आप ये काफ़ी जेन्युइन है और ओरिजिनल है, मैं ZX मलिक को इसलिए रिफर करता हूँ कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको सेल करेंगे, कोई कॉपी आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए आइए इसका काम दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको क्या मिलता है, हालांकि इंग्लिश और चाइनीज से लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आईफोन, देखिए अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ लिखा हुआ है आईफोन आईपैड ऑल इन वन, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ और उसका वर्क आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको सिर्फ एक केबल मिलती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की एक केबल है, वायरिंग की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, स्मूथ और हार्ड है, और ऑब्वियस है कि इसके अंदर अच्छा प्रोटेक्शन उन्होंने फॉइल का लगा के दिया होगा वायरिंग के लिए। शॉर्ट केबल, आप देखिए कि शॉर्ट केबल है, बहुत ज़्यादा लंबी केबल नहीं है, इसलिए ये वर्क करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादातर ऐसे टर्म्स में ये लोग बहुत लंबी केबल डाल देते हैं, सो ये कुछ बार लगाने पर वर्क करती है, कुछ बार लगाने पर वर्क नहीं करती है, तो ये भी बहुत अच्छी है कि शॉर्ट केबल दी हुई उन्होंने, क्योंकि ज़रूरत नहीं है बहुत लंबी केबल की। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अपने सिस्टम पर देखिए, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर 3U टूल ओपन करके रखा हुआ है, देखिए मेरे पास यहाँ पे 3U टूल ओपन है, तो मैं सिस्टम पे क्या करूँगा, इसका एक सिरा ये अपने डेस्कटॉप से लगा लूँगा, ये देख लिए यहाँ पर लग गया है, और इसका दूसरा सिरा मैं अपने आईफोन के साथ जोड़ूंगा, ये देखिए मेरे पास में आईफोन 11 है, तो पहले इसको स्विच ऑफ करते हैं, आपको इसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, अगर वैसे नहीं हो रहा है तो आप इसकी बैटरी निकाल के स्विच ऑफ कर सकते हैं। स्विच ऑफ करने के लिए पावर की और वॉल्यूम डाउन बटन दबाऊंगा और स्लाइड करूंगा, तो ये फ़ोन अब स्विच ऑफ हो चुका है। तो अब मुझे सपोज़ इसको रीस्टोर करना है किसी वजह से, मुझे इसको अपडेट करना है या फ्लैश करना है या जो भी कारण है जिसको मैं इसको रीस्टोर कर रहा हूँ, तो इसको मुझे रिकवरी मोड पर डालना पड़ेगा। तो अब रिकवरी मोड पर डालने के लिए फिर मैं बटन, मुझे याद नहीं है, कोई सा भी फ़ोन आ जाए, कोई सा भी आईपैड आ जाए या कोई सा भी एप्पल से रिलेटेड डिवाइस है, तो ये केबल उस पर वर्क करेगी। अब देखिए सिर्फ केबल को लगाना बस है, देखिए केबल को सिर्फ लगाया मैंने और एप्पल का लोगो आएगा आपको यहाँ पर, और देखिए मतलब ये आपका रिकवरी मोड पे चला गया है आपका फ़ोन। सो अब आपको करना क्या है, आपको ये केबल हटा देनी है, अब आपका फ़ोन यहाँ पर रिकवरी मोड पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आपको नॉर्मल आपकी केबल लेनी है आईफोन की, ये आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मेरे सिस्टम में पीछे लगी हुई है, ये देखिए ये केबल आपको दिख रही होगी सिस्टम में पीछे लगी हुई है। तो अब आपको ये केबल लेनी है और केबल के साथ इसको लगाना है, देखिए आवाज़, तो ये देखिए अब मेरा फ़ोन रिकवरी मोड पर चला गया है, देखिए 3U iTunes भी खुल गया और यहाँ पर ये देखिए, तो ये मेरा फ़ोन रिकवरी मोड पर चला गया है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा। अब मान लीजिए मुझे वापस निकलना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, तो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा, तो ये एडजस्ट हो गया है, तो अब ये मेरा फ़ोन नॉर्मली ऑन हो जाएगा। तो आई होप कि ये देखिए, तो आई होप कि ये आपके लिए बेस्ट डिवाइस है।
आई होप कि आपके लिए बेस्ट डिवाइस है। और जो लोग बहुत ज़्यादा आईफोन का काम कर रहे हैं, जिन पे डेली 2-3 बार फ्लैशिंग के लिए मोबाइल आ रहा है, तो मेरे लिए केबल बहुत अच्छी है। लगाओ, बहुत ही ज़्यादा चीप दाम में आपको मिल जाएगी। ZX मलिक, थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। लाइव और सब्सक्राइब करना, और भी टूल आएंगे जिसके बारे में बताने वाला हूँ बहुत जल्द।